आज हम बना रहे हैं मसाला शाही पनीर और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है ये। एक बार खाओगे ना तो बार बार बनाओगे। तो ये देखिए मसाला पनीर हमने बना लिया था, ये पिछली बार का वीडियो है। आप अगर मसाला पनीर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मसाला पनीर बना था। अब इसी की सब्जी हम तैयार करेंगे। इसे हमने पानी में डुबोकर फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितना सॉफ्ट है अभी तक। दूसरे दिन इसकी सब्जी बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसके पनीर के सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं बिल्कुल चौकोर चौकोर। आप चाहो तो इसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर के पीसेस हमने सारे कट कर लिए हैं और एक बड़ा बाउल हमने भर दिया है, इसे साइड में रख देंगे और पनीर की सब्जी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। शाही पनीर की सब्जी है तो काजू बादाम तो डलेगा ही, वैसे शाही पनीर में हमेशा काजू ही डालते हैं। हम इसमें बादामी रंग के लिए बादाम भी डाल रहे हैं। तो इसके अंदर 10-12 काजू और 15 बादाम हमने ले लिए हैं और इसे हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। और सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं तो हमने टमाटर ले लिए हैं बहुत सारे और 2 हरी मिर्च ली है बड़ी वाली और प्याज लिए हैं 4। तो हमें प्याज लेने हैं, उसकी क्वांटिटी में हमें टमाटर ज़्यादा ही लेने हैं तभी शाही पनीर की सब्जी बनेगी। और थोड़ा सा धनिया हमने चॉप कर लिया है, धनिया थोड़ा सा ही था, ज़्यादा हो तो आपके पास ज़्यादा कट कर लीजिए क्योंकि धनिया तो सब्जी में अच्छा लगता ही है। तो अब प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में पीसेस में कट कर लिया है अच्छे से धो करके, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनाएंगे हम। और टमाटर को भी लंबे लंबे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो कम से कम 6 टमाटर हमने छोटी साइज़ के लिए हैं और 2 हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। पैन चढ़ा दिया है, पैन में थोड़ा सा हमने तेल डाला है तो हमने ज़रा सा ही तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है अभी। और 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच हमने भर के सौंफ, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी है। तो हल्का सा इसके अंदर भुन जाए उसके बाद हमें इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। तो प्याज हल्के से भुने उसके बाद हरी मिर्च भी ऐड करनी है और टमाटर भी ऐड कर देंगे। बस अब इनको सारों को हमें हल्का सा नरम होने तक इन्हें भुनना है। तो हमने साथ में इसके अंदर अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियां और साथ ही जो काजू बादाम हमने भिगो कर रखे थे ना वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि सारा हमें इसको पीस कर ग्रेवी ही बनानी है। तो हल्का सा सॉफ्ट पड़ने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे ढक कर पका लिया है। तो जैसे ही ये सॉफ़्ट हो जाए ना तो हमें गैस को बंद कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, इससे क्या है ये जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है। हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था। अब क्या करना है, इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है क्योंकि ठंडा करने के बाद ही तो मिक्सी में पीसना है, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मिक्सी में पीसने से पहले हमने तेज़पत्ता और बड़ी इलायची का टुकड़ा निकाल लिया है क्योंकि वो पीसेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारा हम जार में डाल लेंगे पीसने के लिए। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो उसमें थोड़ा सा ही ऐड करें, ज़्यादा ऐड नहीं करें। और ये देखिए बिल्कुल बादामी सा कलर आया है और बहुत ही रिच कलर आया है इसका, शानदार सा ग्रेवी का। तो हमने इसे बिल्कुल स्मूथ पीस लिया था, कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा बटर भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन हम इसके अंदर दूध की मलाई ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा तेल ही डाला है इसलिए हमने अभी इसमें 1 चम्मच जीरा और सौंफ भर के डाल दिए 2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है हमने। तो 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी थी तो तीखापन तो इसमें पहले से ही है। और इसमें सारी ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देंगे। ग्रेवी में हमने सारी चीज़ें पीस ली थी और अब जो मिक्सी के अंदर थोड़ा बहुत रह गया है तो हमने हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके इसके अंदर हम डाल देंगे। तो सारा हमें ग्रेवी अच्छे से ले लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब ग्रेवी को अच्छे से पकाना है तो हम इसे ढक कर पका लेंगे क्योंकि ये ग्रेवी बहुत छींटे दे रही है। तो थोड़ा थोड़ा ढक लेंगे और बीच बीच में चला लेंगे, इसे तले में लगने नहीं देना है। तो अब इसके अंदर नमक ऐड करना है क्योंकि इसमें अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड किया है
और अब इसके अंदर डाल देंगे दूध की मलाई। तो 3 चम्मच मलाई ऐड की है हमने इसके अंदर, जो दूध में मलाई आती है ना, बस वही डाल देंगे इसके अंदर। अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है और इसे ढक कर कम गैस पर थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है और ये तेल है जो भी ऊपर दिखने लग गया है। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ग्रेवी अभी बहुत ज़्यादा थिक है और इसके अंदर हमने काजू और बादाम भी डाला था ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बाद में ठंडा होने पर थिक हो जाती है, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ध्यान रहे थोड़ा गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, गर्म पानी करके इससे सब्जी की बनने की प्रोसेस है ना वो रुकेगी नहीं और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब इसके अंदर हमें सारे पनीर क्यूब्स डाल लेनी है और ये सारे पनीर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, लेकिन पनीर डालने के बाद भी हमें सब्जी को थोड़ी सी देर और पकाना है। तो हम इसे चला लेंगे और थोड़ी सी देर इसे ढक करके भी पका लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से सारे मसाले ऑब्जर्व हो जाएं। और लास्ट में हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने शुरू में तड़के में इसके अंदर डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये हमारी शाही पनीर की सब्जी तैयार है और इसके ऊपर हमने धनिया डाल दिया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो ऊपर से और अच्छी रिच दिखने के लिए हमने थोड़ा सा तेल और कश्मीरी लाल मिर्च और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है। और ये देखिए सब्जी हमारी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी है हमारी शाही पनीर की। बस अब इसे सर्विंग के लिए हमें डाल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने अनुभव रसोई संसार पर ज़रूर कमेंट्स कीजिए और एक बार तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।